আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी आवाज़ को सुनने वाली पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, जमीयत अहले हदीस के बावक़ार बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान बच्चों, अल्लाह की हमद व सलात के बाद आज बतारीख 20 मई 2023 बरोज़े सनीचर बाद नमाज़े इशा आत्माकूर की मरकज़ी जामे अहले हदीस मस्जिद में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बल्हारी कर्नाटक, दाई व मुबल्लिग आपके सामने नौजवानों में दीनी बेदारी को कैसे बाकी रखा जाए और कैसे बेदार किया जाए, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लपकुशाई करने के लिए बैठा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद की जिस आयत के अंदर मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह आराफ की 36 नंबर की आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला कहता है फ़मन इत्तका व असलहा, जिसने अल्लाह का डर इख्तियार किया और अपनी गलतियों की इसलाह की, फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम, डर नहीं होगा और न इनको कोई गम लायक होगा। ये हर मोमिन मर्द और औरत, जिन और इंसान, बुज़ुर्ग और नौजवान, हर आकिल और बालिग के लिए अल्लाह का ये हुक्म है। सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं, तमाम मोमिनों के लिए। होता ऐसा है कि इंसान अपनी गफलत भरी ज़िंदगी गुजारते रहता है, अचानक कोई बयान वो सुन लेता है, कुरान की कोई आयत उस पर असर कर जाती है और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाना शुरू करता है। जब अल्लाह का डर वो इख्तियार करता है और अपने गलत आमाल को, गलत अकायद को, अपने गुनाहों के करतूत भरी ज़िंदगी को, अपनी सियाहकारी बदकारी को, अपनी अय्याशी और फहाशी को अगर वो छोड़कर नेक बनना चाहे, मुत्तकी बनना चाहे, अल्लाह का डरने वाला परहेजगार बंदा बनना चाहे, अल्लाह तबारक व ताला इसके लिए दो इनामात रखा है। इसे किसी किस्म का डर नहीं होगा, इसे किसी किस्म का गम नहीं होगा। कहाँ? न दुनिया में, न कब्र में, न कयामत में। कहीं पर भी आलम फानी हो, आलम बरजख हो, आलम उखबा हो, हर जगह अल्लाह ताला इसे डर से, खौफ से, गम से नजात अल्लाह दिला देगा। यह है सूरह आराफ की 36वीं आयत। सूरह आले इमरान की 139 नंबर आयत में अल्लाह कहता है
वला तहिनु वला तहजनु, तुम गम मत करो, तुम मत घबराओ। وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम्हारी हुकूमत रहेगी, तुम्हारी इज्जत सरबुलंदी पर रहेगी। इन बशर्ते है, लफ्ज़े इन अरबी ग्रामर के हिसाब से ये शर्तिया वाला इन है, बशर्ते है मुमिनीन, तुम कामिल मोमिनों की जिंदगी इख्तियार करो, मुकम्मल मोमिन होकर तुम जिंदगी गुजार लो। तो अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहजनु, तुमको घबराने की जरूरत नहीं, तुमको गम करने की जरूरत नहीं। दुनिया में, आलम फानी में, आलम बरज़ख कबर में, आलम उखबा क़यामत में, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम कामयाब रहोगे, तुमको अल्लाह डर नहीं देगा, तुमको खौफ करने की जरूरत नहीं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह अगर किसी को अमन दे दे, सुकून दे दे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे जबर से जेर नहीं कर सकती। जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर उसे जलील नहीं कर सकती। जिसे अल्लाह नवाजना चाहे, अता करना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर उसकी एक नेमत को छीन नहीं सकती। जिसे अल्लाह बाकी रखना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर उसका बाल बायका नहीं कर सकती। उसका बिगाड़ना तो दूर की बात, एक बाल उसका बायका नहीं कर सकती। जर्रा राई के दाने के बराबर उसका कुछ नहीं बिगाड़ ले सकती। मेरे नौजवान साथियों, मैं खुसूसन आप लोगों के बारे में आज का उन्वान का इंतखाब किया, हालांकि यह सफ़र मेरा इत्तेफाकी सफ़र है। मैं रिश्तेदारों के पास ऐसे ही मुलाकात के लिए आया था। काफ़ी दिनों से मुझे इस बात की दावत मिल रही थी कि आत्मकूर में आप एक बयान करने के लिए आएँ। आपके बयान के देखने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, आपको दावत देने वाले बहुत हैं। अब खैर, आत्मकूर की जमात कब बुलाती की, लेकिन मैं इत्तेफाक से आ गया और इसी बहाने अल्लाह ताला इस प्रोग्राम की तरतीब दिया। हालांकि दूसरे शहर वाले मेरा प्रोग्राम रखने वाले थे, अलमपुर वाले, अल्लाह की मर्ज़ी जो भी करता है अल्लाह अपनी मर्ज़ी से करता है। जैसा इंसान चाहता वैसा कुछ नहीं होता, जैसा मेरा अल्लाह चाहता वैसा ही सब कुछ होता है, और अल्लाह वही चाहता है जिसमें हमारे लिए खैर और भलाई होती है। आप लोगों को जो जो आयतें मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, इसे याद रखिए आप, ये आपकी इबरतनाक आयतें, आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाली आयतें। अल्लाह तबारक व तआला आपको पैगाम पहुंचाकर डराना चाहता है, आपको संवारना चाहता है, आपको तंबीह करना चाहता है। क्यों? इसलिए कि कल कयामत के दिन जब आप लोग, चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग, चाहे बच्चा हो या बड़ा, चाहे मर्द हो या औरत, जहन्नम में झोंके जाएंगे, जहन्नम में ढकेले जाएंगे, इनको जहन्नम में डालने से पहले जहन्नम के दारोगाओं को एक सवाल करने लगाएगा अल्लाह अपनी मर्जी से, अल्लाह के हुक्म पर। वो जहन्नम के दारोगा ये सवाल करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ मर्दों, ऐ औरतों, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, क्या डराने वाला कोई तुम्हारे पास नहीं आया था? कुरान की आयतें पढ़कर बताने वाला, हदीस पढ़कर समझाने वाला, तुम्हारे अकायद की दुरुस्तगी करने वाला, तुम्हारे जिंदगी के हलाल हराम की तमीज बताने वाला, तुम्हारे अखलाक खबीसा से मुतनब्बेह करके अखलाक हसना की दावत देने वाला कोई नहीं आया था क्या? अल्लाह के फरिश्ते जहन्नम में मुंह के बल डालने से पहले सवाल करेंगे। जानते हो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग ये जवाब दोगे, बला क्यों नहीं, जरूर आए थे, अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे, रसूल आए थे, पैगंबर आए थे, अंबिया के सिलसिलों के बाद, अंबिया के सिलसिलों के बाद उलमाए हक हमारे पास आए थे, उलमाए हक आए थे, कुरान पढ़कर सुनाए, हदीस पढ़कर सुनाए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात खोल खोल कर बताए। लेकिन हम एक नंबर के नालायक,
बदकार, सियाकार, गुनेगार, दुनिया परस, दुनिया तलब, फैया, अय्याश, फहाश किस्म के हम लोग इधर से सुने, इधर से छोड़े। काश काश हम लोग अमल किए होते, काश हम लोग उन बातों को मान लिए होते, अल्लाह के बताए हुए कुरानी अहकामात पर अमल किए होते, तो आज जिन जहन्नम वालों में से नहीं होते। फातरफना बिज़ुनूबिना, अपने गुनाहों का एतराफ करेंगे जहन्नम में गिरने से पहले। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहेगा, इन जहन्नमियों को, इन गुनहगारों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस्लाह करने के कई मौके आए लेकिन इन्होंने इस्लाह नहीं की, उठाकर पटको इनको जहन्नम में। जानते हो उस दिन आप लोग क्या कहोगे, क्या करोगे? अपनी हथेलियां मलोगे, अपनी हथेलियां कफे अफसोस की तरह मलोगे और कहोगे, हाय मेरी बर्बादी, मैंने इस नालायक की दोस्ती क्यों किया, आए ऐ काश मैं फलां की दोस्ती ना किया होता, आज जहन्नम में नहीं आता। ऐ काश मैं फला नालायक के साथ नहीं उठता बैठता तो मैं शराबी नहीं होता। ऐ काश मैं दुनिया के फला एक नंबर के अय्याश जिनाकार के साथ दोस्ती ना किया होता, मैं जिनाकार नहीं होता। ऐ काश मैं मुशरिक के साथ उठा बैठा ना होता, मैं भी मुशरिक ना होता। अपने दोस्तों पर वाविला करेगा, अपने दोस्तों पर मलामत करेगा, लेकिन उसे नहीं बचाया जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जहन्नम में ढकेला जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आपकी दुनिया संवर रही है या बर्बाद हो रही है, अल्लाह अपना आपका हिसाब लेने से पहले आप अपना हिसाब लेने का जायजा कर लो, आप अपना महासभा कर लो, अपने आमाल का जायजा लो। हमारी रात कैसी गुजर रही, हमारा दिन कैसा गुजर रहा, हमारी सुबह कैसी हो रही, हमारा शाम कैसा हो रहा, आज सुबह से शाम तक हमने नमाजें पढ़ी या नहीं पढ़े, हमने कितने लोगों की गीबत की, हमने कितने लोगों का दिल दुखाया, कैसे कैसे हमने लुच्चे लुच्चे बातें की, कैसे कैसे गालियां हमने बकी, गाने हमने गाए, गंदे गंदे गालियां, हम बकवास हमने किया। सुबह से शाम तक का मुहासबा, अपना हिसाब लो, जायजा लो। अल्लाह तो हिसाब लेगा ही, अल्लाह के हिसाब से कोई माई का लाल नहीं बच सकता, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अल्लाह आपका हिसाब लेने से पहले आप अपने हिसाब का जायजा लो जी, कैसा दोस्त के साथ मैं उठूं बैठूं, कैसी दोस्ती में मैं हूं, मेरी रोजी रोटी क्या हलाल की है कि हराम की है, क्या मैं और मेरी बीवी बच्चों को पाक खा के पाक खिलारूं या गंदा खा के गंदा खिलारूं। जायजा लो जी, जायजा लो जी। तुम्हारी अकलो होश को खड़ा करने के वास्ते उलमाए हक तुम्हारे सामने ये बातें वाजह करके बताते, तुम्हारे जिंदगी को संवारने के वास्ते। और अक्सर नौजवान कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं, जब हम इनको दीन की दावत देते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो बोलते मौलाना दुआ करो जी अल्लाह हमने हिदायत दे दे, मौलाना दुआ करो जी अल्लाह हमने तौफीक दे दे, मौलाना अरे आओ भाई नमाज को, दुआ करो बहुत मसरूफ है, बहुत ज्यादा काम है, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें नमाज की तौफीक दे दे, अरे दाढ़ी रखो भाई, दुआ करो जरा मजबूरी है, जरी नौकरी है, जरी ऐसे वैसे काम है, दाढ़ी रखने नहीं होता, दुआ करो अल्लाह तौफीक दे दे, ऐसे बहाने कई को। हमें दुआ करते रहना और तुम्हें अपने गलत काम करते रहना क्या, हमें यहां दुआ करते रहना तुम्हें गलत काम करते रहना। कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, सूरह अर्राद आयत नंबर 11, सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं करती। अल्लाह ताला किसी इंसान के, किसी फर्द वाहिद के, किसी कौम वालों के, किसी बस्ती वालों के, किसी जमात वालों की कैफियत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं करता। खाली दुनिया वालों को बोल रहा, अल्लाह से दुआ करो भाई अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक दे दे, दुआ करो भाई सच बोलने की तौफीक दे दे, दुआ करो भाई दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे, दुआ करो भाई नेक इंसान बनने की तौफीक दे दे। मतलब सारी दुनिया दुआ कर रही है लेकिन तू सीधा घड़ा नहीं बन रहा ना भाई, उल्टा घड़ा बन को बैठा। अरे उल्टे घड़े पर सौ घड़े क्या
500,000 घड़े डाले तो भी अंदर एक खतरा पानी नहीं जाता। आप सीधे घड़े बन जाओ, सारे लोगों की दुआएं कबूल होकर आपके अंदर समाएंगी। आप सीधे हो जाओ, मतलब आप अपने अंदर फिक्र पैदा करो ना, मैं नमाजी बनना, मैं अल्लाह वाला बनना, मैं नेक इंसान बनना, मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां आना, मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना, मैं अच्छा होना, मेरे पीठ के पीछे कौन भी मुझे बुरा भला नहीं बोलना, मैं मरिया तो भी गांव वाले बस्ती वाले जमात वाले मुझे याद कर करके दुआ करना, मुझे याद करके बददुआ नहीं करना। ऐसे बनने की ऐसी फिक्र पैदा करो ना, अपने अंदर वो जुस्तजू पैदा करो ना। जब तक आपके दिल में नमाजी बनना करने की फिक्र पैदा नहीं आती, सारी दुनिया वालों की दुआएं अल्लाह आपके हक में कबूल नहीं करता। जब तक आपके दिल में मैं अच्छा होना, मैं नेक बनना, मैं लोगों के लिए फायदामंद मोमिन बनकर रहना, यह फिक्र आप अपने अंदर से पैदा नहीं करते, अल्लाह ताला भी आपको हिदायत नहीं देता। क्या अल्लाह फ्री में रख लिया समझे? हिदायत उसी को देता जो हिदायत तलब करता, उसी को हिदायत से नवाजता जो हिदायत का जुस्तजू, हिदायत के रास्ते पर चलता, हिदायत की तलाश में निकलता, उसी को अल्लाह हिदायत देता। मैं यल्तमिसु खैरा युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, मैं युरीदु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह दीन की सही समझ उसे अता करता है जो अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत मांगता है। हम लोग रोजाना 17 रकातें नमाज पढ़ते हैं, फर्ज, फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा के 4, जोहर असर ईशा 4, 4, 4, 12, 12 एक 3 मगरिब के कितने हुए 15, 15 फजर के 1, 2, 17, 17 फर्ज रकातों में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अल्लाह से क्या मांगती? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे। दुआ मांग रहा सीधे रास्ते की, लेकिन दुनिया में चल रहा टेढ़े रास्ते पर, हराम कमा को खा रहा, झूठ बकरा, लोगों को धोखा दे रहा, हर किस्म की बदकारी कर रहा, हर किस्म के गुनाह कर रहा। अरे फिर कई की दुआ कर रहा भाई तू? सीधे रास्ते को कई मंग रहा अल्लाह ताला से? सिर्फ नाम के वास्ते मंग रहा? अल्लाह से 17 मर्तबा ये कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझ ही से मदद तलब करता हूं, तेरी ही इबादत हम करते हैं, तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अल्लाह से वादा कर को जग दूसरे से मदद तलब कर रहा, दूसरे के नजरों नियाजें कर रहा, दूसरों की चादरें चढ़ा रहा, दूसरों के सजदे कर रहा। अरे कैसा जी तुम्हारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहां है जी? जैसा अल्लाह से वादा कर रही वैसा अमल करो ना, जैसा अल्लाह से हिदायत मांग रही उस हिदायत पर लेने की कोशिश करो ना, अल्लाह जरूर हिदायत देता, बेशक हिदायत देता। वो हिदायत देने के लिए बैठा है, हिदायत देने के लिए बैठा है। कुरान पढ़ो, कुरान नौजवानों मोमिनों कुरान पढ़ो, ये कुरान हिदायत की किताब, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों की हिदायत की किताब है, मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। अल्लाह ताला कहता है, वलकद यसरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया नसीहत हासिल करने के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला, क्या कोई है गौर तलब करने वाला? अल्लाह ताला बार बार कहता है सूरह कमर में 4 जगह, वलकद यसरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया, लिज़्ज़िक्री, नसीहत हासिल करने के लिए, समझने के लिए, इंसान की जिंदगी को अक्लो शुऊर के लिए, दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए हमने कुरान को यकीनन इजी कर दिया, आसान कर दिया, मुकम्मल हमने सहल कर दिया। फहल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई तुम में से अकलमंद, है कोई नसीहत हासिल करने वाला, इसमें गौर और तदब्बुर करने वाला? कुरान नहीं पढ़ते हमें, मोबाइल देखो का ना घंटे यहां से देखती, फेसबुक देखो का ना घंटे यहां से देखती, व्हाट्सएप में क्या तो भी चैटिंग कर ले को बैठो का ना घंटे यहां से करती, बेकार के कोसे तो यूट्यूब के वीडियो देख ले बैठो का ना घंटे यहां से देख ले बैठती, कोसा तो गेमा मोबाइल के गेमा खेल ले बैठो का ना घंटे यहां से खेलती। अरे कुरान, वो कुरान पढ़ो जो कुरान तुम्हारे लिए हिदायत का सरचश्मा है,
जो कुरान पढ़ने से अल्लाह की रहमत और सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं, तुम्हारे दिल के ईमान का नूर ताजा होता है, और ये कुरान कयामत के दिन शफी सिफारिश बनकर आएगा, और ये कुरान तुम्हारी कब्र में अल्लाह के हुक्म से नूर बनकर आएगा, और ये कुरान पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला सवाल के जवाब देना आसान बना देगा। कुरान नहीं पढ़ते हमें, कुरान नहीं पढ़ते हमें, दुनिया में मस्त मगन है, दुनिया के अय्याशी फहाशी में मगन है नौजवान। अल्लाहु अकबर। सूरह इंशिकाक आयत नंबर 6, सूरह इन्फितार आयत नंबर 6। अम्मा पारा में दो सूरतें हैं, सूरह इंशिकाक, सूरह इन्फितार। इंशिकाक की 6 नंबर आयत पढ़ो, इन्फितार की 6 नंबर आयत पढ़ो। इन आयतों में अल्लाह कहता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदअन फमुलाकीह। ऐ इंसान, दुनिया में उठने वाला तेरा हर कदम अल्लाह की जानिब बढ़ रहा है, तू इतना दुनिया में का आगे बढ़ेगा कि यहां तक के मर जाएगा और अल्लाह से मुलाकात करेगा। तू क्या समझ रहा, दुनिया में चहलकदमी कर रहा तो दुनिया परस बन गया समझ रहा? तेरा हर उठने वाला कदम आखिरत की जानिब कूच कर रहा, तेरा हर उठने वाला कदम तेरी मौत की तरफ लेकर जा रहा। तू निकलेगा, चलेगा, उठाएगा कदम यहां तक कि तू मर जाएगा, अल्लाह के सामने जाकर खड़ा होगा, अल्लाह से मुलाकात करेगा। यह सोचकर कदम उठा, क्या तेरा चेहरा अल्लाह को दिखाने के लायक है? क्या तेरे आमाल अल्लाह को दिखाने के लायक है? क्या कयामत के दिन जब तेरी अल्लाह ताला नाम आमाल का छट्टा खोल के रखेगा, क्या तेरे रिश्तेदारों दुनिया वालों के सामने तेरे आमाल दिखाने के लायक है? अरे झांक को देखो ना जी, आज हमें क्या करती है, उन्हें ऐसा, इन्हें ऐसा, इन्हें यह कर रहा, उन्हें वो कर रहा। अरे दूसरे के ऊपर अंगली उठाने से पहले 3 अंगलियां तेरे तरफ दिखा रही, तू अपने अंदर कैसा है झांक को देख ले भाई, तेरे अपने अंदर क्या गलतियां हैं पहले उसकी इसलाह कर ले भाई। उन्हें ऐसा, इन्हें ऐसा, तू कैसा फरिश्ता सिफत इंसान, क्या दूसरे धुला हुआ इंसान क्या? अरे तेरे अंदर की खराबियां तू इसलाह कर ले मेरे भाई। कुरान की वो आयत जो मैंने खुतबाए मसनूना के बाद तिलावत की, सूरह आराफ की 36वीं आयत, अल्लाह क्या बोलता, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फमनित्तक़ा व अस्लहा, जो आदमी अल्लाह का डर इख्तियार करेगा, अपने गुनाहों से बाज आएगा, अपनी गलतियों की इसलाह करेगा। अल्लाह ताला इसे ना कोई डर रखा है, ना कोई खौफ रखा है, अमन ही अमन अल्लाह अता करेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। कब? गलतियों को छोड़ना, अल्लाह का डर इख्तियार करना, उन लोगों के लिए अल्लाह रखा है ये नाम। गलतियों को छोड़ने तैयार नहीं, अल्लाह का डर इख्तियार करने तैयार नहीं हमें, अपनी बुराइयों को छोड़ने तैयार नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर अपनी इस्लाह करने तैयार नहीं। कुरान मजीद सूरह बकरा 108 नंबर आयत, 208 नंबर आयत, 108 नहीं 208 नंबर आयत, अल्लाह क्या बोलता है इस आयत में, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, किसे बोल रहा अल्लाह? उन लोगों को बोल रहा जिनके सीनों में ईमान बाकी है। बेईमानों से अल्लाह मुखातब नहीं कर रहा, मुनाफिकों से अल्लाह मुखातब नहीं कर रहा, मुशरिकों काफिरों को अल्लाह नहीं बोल रहा, ईमान वालों को बोल रहा, जो अपने आप को मोमिन होने का दावा करते हैं, जो अपने आप को मोमिन होने का अहद पैमान करते हैं, ऐसे मोमिनों को बोल रहा। हमें कैसे मोमिना? नाम के मोमिना, काम के तो रत्ती भी नहीं, नाम के मोमिना। अरे नाम के रहो, कैसे भी रहो, अल्लाह क्या बोल रहा? अरे ईमान वालों, जो अल्लाह पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, आखिरत पर, खबर पर, जन्नत और जहन्नम पर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाने का नाटक करते हो, ये ईमान लाए हुए हो, अरे ईमान वालों सुनो, अल्लाह कहता है इस्लाम में कंप्लीट के कंप्लीट दाखिल हो जाओ, अधूरे मत रहो जी। एक कदम अंदर, एक कदम बाहर, एक कदम दीन में, एक कदम दुनिया में, एक कदम अल्लाह को राजी करने का, एक कदम शैतान को खुश करने का। कभी अल्लाह को खुश करने वाले अतीउल्लाह अतीउर रसूल के कामा करती, कभी शैतान की इताअत कर को शैतान को खुश करने वाले कामा करती। मस्जिद को एक दिन आको आबाद करता, फिल्म थिएटर को 10 दिन जाको फिल्म थिएटर आबाद करता। अल्लाह क्या बोल रहा? अरे ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, अधूरे मत रहो, मुकम्मल के मुकम्मल मोमिन बन जाओ। और फिर आगे अल्लाह क्या फरमाया,
वला तत्तबियू खुतवाती शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इन्नहू लकुम अदुवुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ये बोल रहा अल्लाह। शैतान क्या करता, अब नौजवाना सो गए रहती, कब सोती इनो, इनकी नींद कब होती, रात के 2 बजे नींद आती इनको, 1 बजे नींद आती, जब तक क्या करती बाजार में गप्पे मार ले एक फिरती, नहीं तो दोस्तों के साथ कहां तो चबूतरिया पो इनके उनके बेकार बकवासा कर ले एक बैठती, नहीं घर में गए तो भी वो मोबाइल कते, टिकटॉक वीडियो कते, क्या की वीडियो गेम कते, वो क्या की वीडियो कते, देख ले वो 1.5 GB 2 GB यूज होना ना दिन भर की, वो जो डाटा दलाया इन्हें 1.5 महीने का 3 महीने का 4 महीने का 1 साल का 6 महीने का, वो 84 डेज का 72 डेज का 56 डेज का 1 मंथ पैक वो जो दलाया, हर दिन 1.5 GB इंटरनेट देता उन्हें, 2 GB इंटरनेट देता, अब वो यूज नहीं हुई तो बिचारी को खलबली मचती रहती अंदर से, देखना। अब वो देखते 12-1 बज जाता, 12-1 बजे सोता इन्हें बेचारा, सुबह होती कभी इसकी 10 बजे, जब रात के 2 बजे सोजेगा तो फजर में 4:30-5 बजे कैसा जी उठेंगे तुम्हें, शैतान थपक थपक को सुलाता, नींद का गलबा तारी हुए रहता, शैतान सुलाता, इधर रहमान का बंदा मुअज्जिन अल्लाह के हुक्म से बुलाता है, हैया अलल फला, हैया अलल फला, आए मेरे भाई नमाज की तरफ, आए आओ मेरे भाई कामयाबी की जानिब, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है तुम्हारी नींद से, ये अपनी मर्जी से नहीं बोलता मौसन, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म से, जो नबी ने अजान के कलिमात बताए उम्मत को, जो अजान के कलिमात अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बताया, ये अल्लाह के हुक्म से मौसन हमना बुलाता, तुम्हारी नींद से बेहतर नमाज आओ जी, इधर शैतान थपक थपक को सुलाता, सो रे मेरे बा, सो रे मेरे पिल्ले, कहीं को जाता नमाज को, आराम से सो जा, तेरा ख्वाब पूरा होता, तेरे बिस्तर पर नरम गरम नींद होती, उठ को गया तो ठंडे पानी से वजू कर नमाज पढ़ा तो क्या मिलता तुझे, आराम से सो जा। हम लोग रहमान की दावत पर लब्बैक बोले बिना शैतान की दावत पर लब्बैक बोलते हुए आराम से सो जाती, पहुंचा ले नींद कर ले को, अपने ख्वाबों को पूरा कर ले को। जो नौजवान कौम फजर छोड़ेगी या जो कौम फजर को तर्क करेगी, अल्लाह रहमतें उनसे छीन लेगा, याद रखना। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया की सुबह में बरकतों से मालामाल कर दिया, बरकतों के वक्त में सोए पड़े रहते हैं हम लोग मनहूसों की तरह, फिर हम शिकायत करते हैं मौलाना हम कितना कमाते हैं, बरकत ही नहीं है, अरे कैसा जी बरकत आएगी, रात के 2-2 बजे सोना, ये भी कोई सोना होता है क्या, ये भी कोई सोना होता है क्या, अल्लाह तबारक व तआला रात क्यों बनाया, रात क्यों बनाया, आराम करने के लिए बनाया, दिन क्यों बनाया, मेहनत करने के लिए, इबादत करने के लिए, बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने, वालिदैन की खिदमत करने, इस्लाम पर चलने के लिए बनाया, रात भर उल्लू जागे सर का जाग को, दिन भर दलिंदरा सोए सर का सोए तो अल्लाह की रहमत आती क्या, नहीं, अजाब उतरता, अजाब अजाब आता, ऐसे कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता। नौजवानों क्या हो रहा तुम्हारे साथ, क्या कर रहे हैं आप लोग, कहां जा रही आपकी जवानी, कहां गुजर रहा आपका वक्त, गौर करो, अंदाजा करो। अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, कयामत का मैदान होगा, इब्ने आदम अल्लाह के दरबार में अल्लाह के सामने हाजिर रहेगा, सारे नंगे मादरजाद रहेंगे, किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा, अल्लाह ताला नाम अमाल देकर कहेगा इकरा किताबक व कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, ए मेरे बंदे पढ़कर देखते रहे नाम अमाल में क्या कमी पेशी है, क्या दुनिया में कमाया था, क्या लेकर आया, पढ़कर देख क्या है इसके अंदर। जब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से नाम अमाल थमा देंगे, देखेगा, पढ़ेगा, सोचेगा, अरे काश मुझे और थोड़ी उम्र मिली होती, मैं तौबा कर लेता, मैं अच्छे अच्छे कामा कर लेता, कैसे बुरे बुरे कामा करते करते मर गया, कैसे गुनाह करते करते मर गया, मेरे नाम अमाल में तो सिर्फ गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, नेकियों का कोई नामो निशान नहीं, हाय मेरी बर्बादी, मैं तो जहन्नम में चला जाऊंगा। हाँ,
अल्लाह तबारक व तआला कहता है वअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनी, जिनके नामे अमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, फसौफ युहासब हिसाबन यसीरा, उनका हिसाब बड़ा आसान से लिया जाएगा, वअम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाली, जिनका नामे अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा, वअम्मा मन उतिया किताबहु वरा अज़हरी, जिनका नामे अमाल पीठ के पीछे से दिया जाएगा, यदउ सुबूरा, मौत को पुकारेगा और वो कहेगा हाय मेरी बर्बादी, मैं बड़ा बादशाह था जी दुनिया में, मैं बड़ा एमएलए था जी, मैं बड़ा वो पार्टी का बड़ा बड़ा ओहदे वाला था जी, मैं कितना बड़ा मालदार था, क्या बड़ा ओहदा था मेरा, क्या हुआ क्या हुआ, क्या कहेगा हलक अन्नी सुल्तानिया मा अग्ना अन्नी मालिया, हाय मेरी बर्बादी, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत मुझे कुछ काम नहीं आई, मेरी माल मेरी औलाद मेरे कुछ काम नहीं आए, मैं तो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला नामे अमाल देकर कहेगा देख पढ़कर देख क्या अच्छा क्या बुरा देख इसमें, वो कहेगा माल हाजल किताब, हाय मेरी बर्बादी, ये कैसा नामे अमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, हाय मेरी बर्बादी, इस नामे अमाल में छोटे गुना भी नहीं छोड़े गए, बड़े गुना भी नहीं छोड़े गए, इल्ला अहसाहा, सारे बुराइयों को अल्लाह इसमें जमा कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं ला तजूल कबना खदमा इब्न आदम, इब्न आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी, हत्ता युसअलु अन खमसिन, यहां तक के उसे पांच सवाल पूछे जाएंगे, वह फी रिवायतिन अन अरबा, उससे बाज रिवायत में है चार सवाल पूछे जाएंगे, उनमें का एक सवाल वन शबाबिही फी माफना, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, कैसा गुजारा कहां गुजारा क्या करते करते गुजारा, अल्लाह पूछेगा हर जवान से पूछेगा तेरी जवानी कैसा गुजारा, वन मालिही, माल के बारे में दो सवाल करेगा, ऐन अक्तसबू कहां से कमाया, वह ऐन अनफकू कैसा खर्चा करया, दो सवाल माल के बारे में पूछेगा। अल्लाह तबार बताला तेरी जवानी के बारे में जब सवाल करेगा क्या जवाब देगा, या अल्लाह स्टाइला मार ले को काले जांग के सामने लड़कियां को लेना मार ले को, अपनी जवानी को अय्याशी फहाशी में क्लब्बा में नाच ले को, शराबा पी ले को, ऐसे वैसे बुरे काम करने में, अरे अल्लाह गुजारा के ये जवाब दोगे, बोलो क्या ये जवाब दोगे, आईपीएल क्रिकेट चलता था मैं बेट्टा लगाता था भी, क्या गुजरात जीतेगी तेलंगाना हारेगी कर्नाटक जीतेगी पंजाब हारेगी फला राजस्थान जीतेगी दिल्ली हारेगी, बेट्टा लगाता था मैं, शर्त लगाता था, जुआ खेलते हुए पैसे लगाता था, अरे अल्लाह मेरी जवानी में दुनिया के मैं चैटिंग कर को फेसबुक में ऐसे ऐसे अकाउंट ओपन कर को लड़कियों को उल्लू बना को उनकी इज्जत खेल को इज्जत बर्बाद कर को, ये जवाब देंगे, पबजी गेम में दुनिया भर को दिन भर खाली पबजी गेम खेल 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 को वक्त बर्बाद कर, क्या ये जवाब देंगे, अरे अल्लाह मेरी जवानी में फिल्मी हीरो के डायलॉग पर टिकटॉक के वीडियो बना को मैं दुनिया के वायरल करता था, मैं बड़ा इंस्टाग्राम में हीरो बन गया था, फेसबुक टिकटॉक का हीरो बन गया, क्या ये जवाब दोगे, बोलो तुम्हारी जवानी इसमें जा रही है, इसमें जा रही, अगर तुम्हारा यह जवाब है तो क्या अल्लाह तुम ना जन्नत देता, बोलो क्या अल्लाह जन्नत देता, और तुम्हारी मौत का इनविटेशन कार्ड अल्लाह भेजा क्या, देख बा जवानी में कितना तुरता तुर ले, तेरा बुढ़ापे में देख मैं मौत लेने का तुझे, अब जवानी में कितना एंजॉय करता कर ले, ये देख तेरी मौत का इन्विटेशन कार्ड ले ले, अल्लाह क्या तुम्हें मौत का इन्विटेशन कार्ड देख बैठा क्या, अरे तुम्हारी जीती जागती जवानी में मौत का फरिश्ता उठा ले गया तो क्या मुंह दिखाती जी तुम्हें, क्या मुंह दिखाती जी तुम्हें, अल्लाहु अकबर, हर नौजवान हर इंसान हर मोमिन अल्लाह के नबी कहते हैं युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि रवाहुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ के हदीस में अल्लाह के नबी कहते हैं हर इंसान को उसी अमल पर जगाया जाएगा जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया। ए नौजवान, ए मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अगर तुम अय्याशी की जिंदगी गुजारते गुजारते मरोगे अल्लाह अय्याश लोगों में तुम्हें जगाएगा कयामत के दिन, बेनमाजी मौत मरोगे बेनमाजियों में उठाकर खड़ा करेगा, यहूदो नसरानियों के रविश पर अमल करते करते मरोगे यहूदो नसरानियों में अल्लाह तुम्हें जगाएगा, बिदात के काम करते मरोगे बिदातियों में उठाएगा, शिर्क के काम करते मरोगे मुशरिकों में उठाएगा, सूद खाते खाते मरोगे
سود خوروں جیسے حرام خوروں میں اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. اچھے کام کرتے مرو گے اچھوں کے ساتھ جگائے گا, لچے کاما کرتے مرو گے اللہ تعالیٰ بدکاروں سیاہکاروں میں اٹھا کر کھڑا کرے گا. اب تمہارے اعمال, تمہارا فیصلہ, تمہارا انجام تمہارے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں ہے. اچھے کاما کریں گے اللہ کے پاس اچھے لوگوں میں جگائے جائیں گے, گندے کاما کر کو مریں گے اللہ کے پاس برے انسان گنہگاروں میں جگائے جاؤ گے. جوانی کے بارے میں سوال کریں گا تو ایسا جواب دو کہ اللہ خوش ہو جانا, اللہ خوش ہو جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا کہ یہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر جیا, میری رضا کی خاطر عمل کیا, میری رضا کی خاطر زندگی گزارا. اللہ فخر سے بولنا ہے کیا تمہاری جوانی ایسی, تمہاری جوانی ہے ایسی؟ آج کا نوجوان نمازوں میں پیچھے, آج کا نوجوان اسٹائل مارنے میں زیادہ, آج کا نوجوان دنیا کے فینسی کپڑے پہننے میں زیادہ, یہودیوں کی روش پر عمل کرنے میں زیادہ, فلم تھیٹر آباد کر کو مسجدوں کو ویران کرنے میں فرسٹ, ماں باپ کا نافرمان. اللہ اکبر, کتنے برائیاں ہیں جی تمہارے اندر, کتنے برائیاں ہیں جی. کب سدھریں گے جی تمہیں, کب بنو گے جی اپنے آپ کو نیک انسان, تم کب بناؤ گے جی؟ اللہ اکبر. میرے نوجوان ساتھیو یاد رکھو, اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی نوجوان ہوتے تھے, لیکن نبی جب کبھی بھی کسی نوجوان کو یہ کہتے کہ میرے بھائی آج سے ایسا مت کرو, پھر اس صحابی کی مجال نہیں ہوتی تھی اس دن کے بعد سے اس برائی کو چھونے یا عمل کرنے کی, ہرگز ہرگز مجال نہیں ہوتی تھی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایک صحابی تھے نبی کے زمانے میں, ان کا نام ہے مرثد بن ابی مرثد. اسلام قبول کرے انہوں, اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرے. نبی نے کہا کہو اسلام لانے کے بعد شرک نہیں کرو گے, گناہ نہیں کرو گے, شراب نہیں پیو گے, زنا نہیں کرو گے, اور جادو نہیں کرو گے, کفر کے کام نہیں کرو گے. نہیں اللہ کے نبی نہیں کروں گا, ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کرے. کیا کرتے ہو؟ قیدیوں کو چھڑانے کا ہنر رکھتا ہوں, جاؤ مکہ, صحابہ قید میں ہیں ان کو چھڑا لاؤ. گئے مکہ, چھڑانے کے لیے رات میں ایک جگہ کھڑے ہیں, اچانک ایک ایسی عورت سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, بخاری کی روایت ہے یہ, جس عورت کا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا اور ان کا غلط ریلیشن شپ تھا, غلط ریلیشن شپ تھا. وہ عورت زانیہ عورت تھی, ہر کسی کے ساتھ پیسوں کی خاطر اپنے بدن کو بیچنے والی عورت تھی. ایسی عورت کی ملاقات ہو جاتی, اس عورت کا نام حدیث میں اناخ بتایا گیا, بخاری کی روایت, عین نون الف قاف اناخ. اچانک دیکھتی ہے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہتی ہے کہ تم مرثد ہو؟ ہاں میں مرثد ہوں, اتنے دن کہاں چلے گئے تھے, کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی. چلو رات کا اندھیرا ہے, جوانی کا عالم ہے, کئی دن ہوا اب ملے ہو, چلو خواہش پوری کریں گے, خواہش پوری کریں گے. وہ عورت زنا کی دعوت دیتی ہے مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتی ہیں؟ اگر وہ چاہتے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے جیسا مرثد نہیں ہوں, میں پہلے کا مرثد الگ تھا, اب میں ایمان لا چکا ہوں, میں مومن ہو چکا ہوں, میرے ان ہاتھوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد شراب نہیں پیوں گا, چوری نہیں کروں گا, زنا نہیں کروں گا, میں نے وعدہ کیا ہے. میرے ان ہاتھوں نے نبی مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھ کر یہ وعدہ کیا ہے کہ اسلام میں میں زنا نہیں کروں گا. جن ہاتھوں نے میرے نبی مطہر کے ہاتھوں کو چھو لیا, قسم میرے اللہ کی, اب وہ ہاتھ زنا کے لیے نہیں چھوئیں گے, زنا کو ٹچ نہیں کریں گے, حرام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اللہ اکبر, کیا ایمان تھا جی ان کا, کیا ایمان تھا جی ان کا. اناخ کہتی ہے اے مرثد, میری بات نہیں سنو گے, واویلا مچاؤں گی, پکڑنے لگا کر تم کو ذلیل کر دوں گی, خیب خانے میں ڈلوا دوں گی, مارنے لگا دوں گی, جو کرنا کر لے, میں تو زنا نہیں کرنے والا, میں تو ٹچ بھی نہیں کرنے والا تجھے. اب چیخنے لگی, چلانے لگی, لوگو تمہارے قیدیوں کو چھڑانے والا ایک آدمی آ گیا, پکڑو اسے اندر ڈالو. حضرت ان مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ نکلے وہاں سے, لوگ تلاشے, رات کا اندھیرا تھا نہیں دیکھ سکے, وہ ایک دیوار کے نیچے چھپ کر کھڑے تھے. لوگ ادھر ادھر تلاشے, دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیے. مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کا پیشاب میرے سر پر گرا, میں خاموش کھڑا رہا,
तलाशे में नहीं मिला, चले गए वो लोग फिर उस दीवार के उस जगह से जहां बारिश का पानी निकलता है, उस सुरंग से मैं गया और कई सहाबा को खैर से छुड़ाया, उसी रास्ते से लेकर मदीना आया। मदीना आकर बोला, अल्लाह के नबी, आज भी मेरे दिल में इनाक की वो पहले की मोहब्बत याद आती, आप इजाजत दिए तो मैं इनाक से शादी कर लूं क्या? पूछे नो, ऐसा ऐसा हुआ, मैं टच भी नहीं करा, मैं छिया भी नहीं, अल्लाह के नबी आप हूं बोले तो मैं कर लूं क्या? अल्लाह ताला आयत नाजिल करे सूरह नूर की 3 नंबर आयत, अज़ानियत ला यनकिहु इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकिन, किसी ज़ानिया औरत से ज़ानी मर्द और मुशरिक मर्द ही शादी कर सकता है, मोमिन शादी नहीं कर सकता। और किसी ज़ानिया औरत किसी ज़ानिया मर्द से ज़ानिया औरत या मुशरिका औरत ही शादी कर सकती है, कोई मोमिना औरत शादी नहीं कर सकती। وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, मोमिनों पर अल्लाह ने हराम कर दिया कि वो मोमिन होकर किसी जानिया से निकाह करे या कोई मोमिना औरत होकर किसी काफिर या जानिया से निकाह करे, अल्लाह ने हराम कर दिया। ये सुनना था, उन्होंने अपने दिल दिमाग से इनाख का ख्याल हटा दिया। आज हमारे नौजवानों में ये ईमान कई को नहीं, ये ईमान कई को नहीं। आज हमारा नौजवान संवरने तैयार नहीं, बनने तवारने तैयार नहीं, अपने अंदर की गलती इस्लाह करने तैयार नहीं। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, पहले के जमाने के वो 3 आदमी जो गार में पनाह लिए थे, गार के चट्टान को चट्टान, गार के मुंह को चट्टान ने ढांक लिया, तीनों दुआ करते हैं, अपने नेकामाल को अल्लाह के सामने वसीला बनाते हैं। उनमें का एक आदमी दुआ करके बोलता, या अल्लाह, मेरी चाचा की बेटी बड़ी खूबसूरत, एक दिन पैसों की मजबूरी का तो कर्जा ले गई, मैं उसे ये शर्त पर कर्जा दिया, अगले महीने में मेरा पैसा नहीं लौटाए तो मैं क्या बोलतूं वो सुनना। अच्छी बात, ले गई, इतनी गरीब थी बिचारी, अगले महीने तक उसके पास पैसे एडजस्ट भी नहीं हुए, लौटा भी सकी नहीं, दे भी सकी नहीं। अब वादे के बराबर मैं बोले, सर सुनना था उसे, मैं लिया निकलिया, पहाड़ों की वादियों में गया, अभी जिना नहीं करया, उसे लेकर बिठाया, बिचारी कांपने लगी, रोने लगी, डरने लगी, थर्राने लगी। मैंने पूछा, क्यों रोती हो, क्या हो गया? वो कहती है, मेरे भैया, मेरी जिंदगी में आज तक ऐसा गंदा काम मैंने नहीं किया, मेरे भैया मैं इसलिए रोती हूं, हाय मेरी मजबूरी, मेरे खर्चे ने इस जिना के रास्ते तक मुझे लाकर खड़ा कर दिया, मेरे भैया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, इसलिए कि मैं डर इसलिए रही हूं, मैं रो इसलिए रही हूं, अल्लाह ताला हर दिन का, हर महीने का, हर साल का, हर दिन का, हर घंटे का, हर मिनट का, हर एक सेकंड का अल्लाह हिसाब लेगा। अगर अल्लाह ताला आज के साल के, आज के महीने के, आज के हफ्ते के, आज के दिन के, आज के इस घड़ी के बारे में कयामत के दिन सवाल कर ले, मेरी बंदी इस टाइम में तू किसके साथ क्या कर रही थी, मैं क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगी, क्या अल्लाह को जवाब दूंगी, इस डर से मैं कांप रही हूं, मैं थर्रा रही हूं, मेरे भैया मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं अल्लाह को हिसाब नहीं दे सकती, इस गंदे काम का अल्लाह को मुंह नहीं दिखा सकती। अल्लाह तू जानता, अल्लाह जिस कैफियत से मेरी बहन ने वो अल्फाज मेरे सामने बयान किए, एक ही मिनट में मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने कहा, मेरी बहन तूने अब तक यह गंदा काम तेरी जिंदगी में नहीं किया, तू इतना डर रही अल्लाह को मुंह दिखाने, मैं पूरी जिंदगी ऐसे लुच्चे कामा में गुजार डाला, पूरी जिंदगी ऐसे बुरे कामा में गुजार डाला, मेरी बहन अगर मैं अल्लाह से सच्ची तौबा करा तो अल्लाह मुझे माफ करता क्या? मेरी बहन ने कहा, भैया वो गफूर रहीम हर गुनाह को माफ करता अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले, हर गलती को माफ करता। मेरे भैया तुम भी तौबा करो, तुमने भी अल्लाह माफ करता। मेरे अल्लाह तू जानता उस दिन की कैफियत को, मैं भी जवान था वो भी जवान थी, मैं भी तनहा था वो भी तनहा थी, मैं अगर चाहता तो अपने पैसों के फायदे के हासिल में मेरी उस चचेरी बहन से जिना कर लेता, लेकिन जिस कैफियत से मेरी बहन ने मेरे दिल में तेरा खौफ जगाया, मैं जिना के करीब जाकर भी वापस आ गया, मैं उस दिन से तौबा कर रहा हूं। ऐ मेरे अल्लाह अगर वो मेरी याद
वादा तुझे पसंद आई हो। आज मैं मौत के मुंह में फंसा हूं, ए अल्लाह मुझे आजाद कर दे। अल्लाह ताला इस बंदे की दुआ कबूल करके आजाद कर दिया, तीनों की दुआ कबूल करके आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, बताना यह चाहता हूं कि अगर आप बदलना चाहें, अगर आप अपनी इस्लाह करना चाहें, अगर आप अपनी बुराई छोड़ना चाहें, अल्लाह गफुर रहीम है, बेशक अल्लाह आपको माफ करेगा, बेशक माफ करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी थे, उस सहाबी के बाल बड़े लंबे थे और कपड़ा उनका टखने से नीचे रहता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सहाबी कितने अच्छे हैं, काश इनके अंदर दो बातें नहीं होते तो और अच्छे होते। बाल इतने लंबे नहीं रखे सर का, ज़रा गिरदा कटिंग रखते, छोटे रखते, और अपना कपड़ा टखने से नीचे लटकाने के बजाय थोड़ा ऊपर करते तो वाकई में ये बड़े अच्छे होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ की उस सहाबी की और इन दो खराबियों को छोड़ने की दावत दी। ये बात किसी और सहाबी के जरिए इन तक पहुंची, मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे अखलाक को अल्लाह के नबी पसंद कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर दो खामियां हैं, अगर इन दो खामियों को मैं छोड़ दूं मैं और अच्छा इंसान बन सकता हूं। जैसे ही उन्होंने सुना, फौरन अपने लंबे बाल जो गर्दन तक नीचे लटक रहे थे छोटे कर लिए और अपना कपड़ा जो टखने से नीचे लटकता था ऊपर उठा लिए। वो कहते हैं मेरी जिंदगी में मैंने कभी बड़े बाल नहीं रखे और टखने से नीचे कपड़ा मेरी जिंदगी में मैं नहीं लटकाया। ऐसे होते हैं मोमिन, अगर जैसे ही हदीस रसूल सुने, जैसे ही नबी का हुक्म सुने, फौरन अपनी इस्लाह करने वाले, अपनी बुराइयों को छोड़ने वाले। आप हैं क्या ऐसे? आप हैं क्या ऐसे? अगर हैं तो भाई से मुबारकबाद हैं। अगर वाकई में बुराई छोड़कर अपनी इस्लाह करने वाले हैं तो वाकई में अल्लाह के पास नजात पाने वाले हैं। ए, क्या ले रे, ये मौली साहब बोलते थे, उन्हों बोलने का बोलें दे, हमें करने का करेंगे। अगर ऐसे बिगड़े हुए हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, तो कयामत के दिन वाकई में पछताओगे, बेशक पछताओगे। मेरा यह बयान अल्लाह के सामने हुज्जत बनकर आएगा, याद रखना। कितने हमारे अंदर हराम खोरा है, सूद खोरा है, अपनी सूद नहीं छोड़ते, तिजारत का मार्केट इंप्रूवमेंट करने के लिए सूद नहीं छोड़ते, बैंक से लोन लेकर बिजनेस चलाते हैं। भले ही तुम्हारा हलाल बिजनेस हो, बैंक से लोन लेने के बाद वो बिजनेस हराम हो जाता है। किसने कहा कि बैंक का लोन आपके लिए जायज है? बैंक का लोन लेते कई लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस बना के बैठे हैं कि मैं मरूंगा, मेरी बीवी बच्चों को बड़ा एक हुंडी का तोशा आएगा पैसों का, लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मुकम्मल हराम है, सूद है, बना के रखे। कई लोग गोल्ड बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते हैं ताकि इंटरेस्ट कम भरा जा सके। पैसा अगर डायरेक्ट लूंगा 3% बैंक क्या है इंटरेस्ट डालेगा, अगर मैं गोल्ड गिरवी रखूंगा, गोल्ड पर लोन सैंक्शन करूंगा तो 1% मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। कई लोग गोल्ड रखकर लोन लेते हैं, हराम है, मुकम्मल सूद है। बाज लोग घरों को गिरवी में रखते हैं और अग्रीमेंट लिखा लेते हैं 4 लाख रुपए 2 साल के लिए, इधर पैसों को सूद नहीं उधर घर को किराया नहीं, और समझते हैं हम हलाल मकान में जी रहे हैं। किसने कहा आपको हलाल मकान? हराम का मकान है आपका, वो हराम की जिंदगी है आपकी, वो किसने कहा आपको मुकम्मल हराम है? नहीं मौलाना, 10,000 का मकान मैं 2,000 रुपए बराए नाम आचार चाके सर का दे दू, कही देता भाई 10,000 का 2,000 कही देता, 8,000 तेरे पैसों का सूद इतना उन्हें तोड़ लेता, जायज नहीं है, हराम है ये जिंदगी। अल्लाह के नबी ने कहा जानते बूझते भी हराम के काम करोगे, अल्लाह ना तुम्हारी फर्ज इबादत कबूल करेगा, ना सुन्नत इबादत कबूल करेगा, ना तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, ना तुम्हारे रुकू कबूल करेगा, ना सजदे कबूल करेगा, ना कुर्बानी कबूल करेगा, ना हज कबूल करेगा, ना उमरा कबूल करेगा। इंसान दुनिया वालों के कुंपे डुबा को, सब लोगों का मुंह मार को, दुनिया के प्रॉपर्टियां हड़प कर ले को, हज करने जाता है हराम भन ले को, सिर मुंडा ले को, अल्लाह मैं आ गया, अल्लाह तेरे दरबार में आ गया, अल्लाह अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हाजिर हो गया अल्लाह, अल्लाह उसके लब्बैक को मुंह को मार को बोलता ला लब्बैक वाला सादिक, चल रहे निकल रहे मर्दू दिखते हैं इनके, निकल तेरी लब्बैक ले को, कोई जरूरत नहीं तेरे लब्बैक की,
पैसा हराम का और हज करने का या हलाल का, क्या अल्लाह कबूल कर लेता समझिए? अरे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, तुम्हारा हज कबूल नहीं, तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं, हराम का धंधा, हराम के पैसे, हराम का मकान, हराम का सफर, हराम के कपड़े, हराम के चीजें, सारे हराम के ऊपर से नीचे हराम का। वहां जा रहा जमजम से नहाने के वास्ते, वहां गया तो पूरे गुना माफ, कैसा जी माफ होते हैं, ऊपर से नीचे सरमाया हराम करक को गए तो बिल्ली सोचुए खा को हज को निकली, क्या अल्लाह कबूल करता समझी? हर किस कबूल नहीं करता। अपने अंदर पहले हलाल पैदा करो, अपने अंदर ईमान की गैरत पैदा करो। ये दुनिया में अल्लाह कुत्तों को खिलाता, खिंजीर को खिलाता, चौपाइयों कीड़ों मकोड़ों को खिलाता, तो क्या अल्लाह तुमना नहीं खिलाता क्या जी? अल्लाह तुमना नहीं खिलाता क्या जी? अल्लाह कहता है 12वें पारे की पहली आयत में, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन पर चलने फिरने वाले ऐसे कोई चौपाए, ऐसे कोई जानवर नहीं है जिनके रोजी रोटी की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ना ले रखी हो। हर एक मखलूक की रोजी रोटी की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले रखी है। एक पत्थर को मार को देखो, पत्थर का कीड़ा निकलता, पत्थर का कीड़ा निकलता जिसे जिंगो ऑफ स्टोन बोलती, जिंगो ऑफ स्टोन। पत्थर को मारो फोड़ो, जैसे शंख रहता ना गोल फिरा हुआ, वैसा एक कीड़ा निकलता। वो कीड़े को पत्थर में कहीं से सुराख नहीं, हो भाई यहां से उन्हें पानी ले रहा, वहां से उन्हें खाना ले रहा, चारों तरफ से पत्थर, बीच में कीड़ा। वैसे कीड़े को अल्लाह रिज़्क देको खिलाता, क्या तुमना नहीं खिलाता क्या जी? तुमना नहीं खिलाता क्या जी? चूंटी, कुरान में इनके ऊपर एक सूरा है, सूरे नमल। बारिश के 4 महीने का मौसम आने से पहले चूंटी जमीन से 6 मीटर अंदर सुराख करको अपने 6 महीने का फूड, 4 महीने से 6 महीने का फूड बारिश का मौसम आने से पहले अंदर स्टॉक कर लेती चूंटी। जब बारिश का मौसम आता अब ऊपर से अपने घर का दरवाजा बंद कर देती, अंदर अंडे डाल को, वो अंडों से बच्चे निकाल को, 4 महीने तक अंदर बैठ को खा को, बारिश का मौसम होने के बाद सुराख करको फिर बाहर आती। कौन दिया उसे अकल ये? कौन दिया उसे फूड ये? 4 महीने का फूड, 6 महीने का फूड, जमीन से 6 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर अंदर एक घर बना को फूड स्टॉक कर ले रही अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह वो चुमटी को खिलाता, क्या तुमना नहीं खिलाता क्या जी? जरूरत क्या है जी हमने हराम का कमा को खाने, हराम का हासिल करने, जरूरत क्या है जी? आज का नौजवान सुधरने तैयार नहीं, संवरने तैयार नहीं, नमाज पढ़ने तैयार नहीं। और नौजवानों में एक बीमारी, क्या बीमारी? घुटके खाने की बीमारी, सिगरेट पीने की बीमारी, तंबाकू खाने की बीमारी, बाज नौजवानों में शराब पीने की बीमारी। क्या बोलते हैं? ए ब्रांडी कहते क्या की है, सेंधी कहते भाई, ए वो झाड़ा में ऊपर क्या की मटका बंधे तो दूध के सर का गिरता, कहते कुदरत का पानी पिए तो जर्रा नशा चढ़ता, ए जायज वो। ए बियर कहते है क्या की, ए बियर, ये नहीं सोचे अब है सो पी लेंगे नेक्स्ट छोड़ेंगे, ले अब है सो हाथ में का प्याला पी लेंगे बाद में सोचेंगे ले। जैसे ही इनके कानों में आवाज पड़ी, अल्लाह के हुक्म की आवाज पड़ी, वैसे ही मिनट भी नहीं, घंटे भी नहीं, उन्हीं सेकंडों में उनके दिल में अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी की इताअत का जज्बा आ गया। छोड़ दिए वो लोग, मुकम्मल छोड़ दिए। साहबा कहते हैं उस दिन मदीने के गलियों में ऐसे शराब बह रही थी जैसे मौसलाधार बारिश आकर रुकने के बाद पानी के नाला बहता है, वैसे पुरानी शराब बह रही थी। कसम अल्लाह की उस दिन कोई बारिश मदीने में नहीं आई थी, बारिश शराब बह रही थी वैसे। अरे वो साहबा, वो भी नौजवान थे, उन्होंने वैसा छोड़ने तैयार, तुम्हें कहीं कुछ छोड़ने तैयार नहीं जी, तुम्हें कहीं कुछ छोड़ने तैयार नहीं जी। अल्लाह के नबी कहते हैं शराबी जरा शराब पीकर अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह एक बार माफ करता। दूसरी बार शराब पीकर तौबा करे, अल्लाह 2 बार माफ करता। तीसरी बार शराब पीकर माफी मांगे, अल्लाह 3 बार माफ करता। लेकिन चौथी बार अल्लाह हरगिज नहीं माफ करता। नहरुल खबाल उसे पिलाता। नहरुल खबाल किसे बोलती? जहन्नमियों का सड़ा हुआ गला हुआ पीप, खून। अगर वो एक खतरा दुनिया में अल्लाह टपकाया तो पूरे दुनिया के इंसान जिन्ना चरिंदे परिंदे मखलूक उसकी बदबू से बेहोश हो जाती, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की मखलूक। इतना बदबूरा खून पीप अल्लाह इन शराबियों को पिलाता। नौजवानों छोड़ो जी,
अपनी जवानी पर तरस खाओ जी, तुम्हारे पीछे बीवी बच्चे माँ बाप भाई बहन उनका तो भी सोचो जी, अपने दिल में अल्लाह और उसके रसूल के इताअत का जज्बा लाओ। यहूदियों के रविश पर है हमारा नौजवान, कटिंग करा तो भी ऐसी कटिंग करता, मेरे बयाना में सुने रहंगा, आजू बाजू हांडा ऊपर चारा का बिंडा, ऐसा ढोले को फिरता, बाजू से देखा तो ऐसा दिखते रहता हांडा सिर पर रख ले जा रहा कना, फिर ऊपर देखे तो ऐसा लगता नहीं वही चारे का बिंडा ढोले जा रहा कना, क्या स्टाइल की कौन मेरा बेटा बना मरिया की वो कटिंग, उसका देख को सब लोग वैसा, और पैंट पहना तो भी आगे से फटे रहती नीचे से फटे रहती फिचे से कट हुए रहती, हाँ वो चड्डी को थी पैंट चोली को थे शर्टा, रुकू में सजदे में गया तो फीचे का पूरा ओपन, इन्हें सामने बैठा सवाला सजदे में हंदा हो को सजदा करया तो नमाज होती, हम क्या खोलिया नमाज बर्बाद इसकी, कई को सामने से भी पिक्चर दिखता रहता उसका, क्यों नमाज पढ़ना ऐसे, नमाज ऐसे कपड़े पहनने का आती कई को जी मस्जिद को तुम्हें, हाँ कई को बा ऐसे फटे सो पहने पैसे नहीं क्या, ए दिस इज ए स्टाइल, दिस इज ए न्यू स्टाइल, दिस इज ए फॉरिन कल्चर, ये फॉरिन कल्चर का स्टाइल, आगे से फटे पीछे से फटे मक्खियां घुसते रहती उसमें, मक्खियां घुस घुस को निकलते रहती, फिर स्टाइल कहते अल्लाह ताला जहन्नम में तुझे स्टाइल मारने भेजता, सांपा के स्टाइल अलग रहती, बिछुआ के स्टाइल अलग रहती, अंगार के दरिया के स्टाइल अलग रहती, अल्लाह बोलता जा स्टाइल मार जा, यहां देख ये दरिया वो सांपा ये बिछुआ वो पहाड़, अजीब अजीब किस्म के अंगार, अजीब अजीब किस्म के सब, जा यहां मार जा स्टाइला, फटिया सो टूटिया सो ऊपर का नीचे सब मार जा। जब यहूदियों को याद करता ये कौन बेटे ऐसा कर को मरे कि उनके स्टाइला में ऐसा कर को आया ना रे भाई जहन्नम में आया ना रे, हाँ अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया ए मेरे उम्मतियों यहूदियों की रविश पर चलने से बचो, इसलिए कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूद और नसारा है, जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डालेगा, और तुम लोग जरूर ब जरूर मेरे मरने के बाद उनके नक्शे कदम पर चलोगे, मेरे उम्मत के बाज लोग मेरी उम्मत के बाज लोग यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेंगे, कदम ब कदम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, जैसा वो करेंगे वैसा मेरी उम्मत के बाज लोग करेंगे, यहां तक के यहूदियों में अगर कोई नालायक अपनी सगी माँ से जिना किया रहेगा मेरी उम्मत का नालायक आदमी भी अपनी सगी माँ से जिना करेगा उसकी इत्तेबा करते हुए। हम ना आइडियल नमूना हमारे नबी है सहाबा है, उनको देखो उन्हों कैसा करे वैसा करो, क्योंकि नबी जन्नती है सहाबा जन्नती है, अगर नबी को आइडियल बनाओगे तुम भी जन्नत में जाओगे, सहाबा को आइडियल बनाओगे तुम भी जन्नत में जाओगे, अगर फिल्म स्टारों को नमूना बनाओगे क्रिकेट खेलने वालों को नमूना बनाओगे या यहूद और नसरानियों को नमूना बनाओगे ये फिल्मों में सीरियलों में काम करने वालों को नमूना बनाओगे इनो जाएंगे जहन्नम में तुम भी जाओगे जहन्नम में। अल्लाह ने क्या कहा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना हमने तुम्हारे लिए उस्वा और नमूना मेरे नबी की जिंदगी को बनाया है, नबी जैसा करे वैसा तुम भी करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेरी उम्मत में 70 पर 3 फिरके होंगे, 70 पर 2 जहन्नम में जाएंगे, 1 जमात जन्नत में जाएंगे। है अल्लाह के नबी वो जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी होंगी बोलो जी, वो जन्नत में जाने वाली जमात की कैफियत क्या है, अलामत क्या है, निशानी क्या है? अल्लाह के नबी क्या बोले मा अना अलैही व असहाबी अल्यौम, मैं मेरे सहाबा आज जिस तरह अमल कर रही वैसा अमल करने वाले सब जन्नत में जाएंगे। बोले नबी के जैसा सहाबा के जैसा हमें है क्या हमें पक्के बेनमाज या ना जी, सहाबा को देखो आज हमारी जुम्मा में कैसा नमाज मस्जिद भरती, फजर की नमाज में सहाबा से मस्जिद वैसा भरती थी, आज हमें काम पड़ती फजर पड़ती हमें एक नंबर के बेनमाज या हमें, फिर दावा क्या करती सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले, कौन से नक्शे कदम पर चल रही तुम्हें, कौन से नक्शे जरा बताओ मींजे देखेंगे, सहाबा तुम्हारे सर के बेनमाजियां थे और हमारा नौजवान दाढ़ी मुंडा, पूरे सहाबा एक सहाबी भी दाढ़ी नहीं मुंडाते थे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर मुश्त भर दाढ़ी रखते थे मुश्त के नीचे कटे, ये उनका जाती अमल था, बुखारी की रिवायत है जाती अमल था उनका, उनका जाती अमल उम्मत के लिए नमूना नहीं लेकिन सारे सहाबा का नमूना हमारे लिए, अल्लाह के नबी का नमूना हमारे लिए।
नबी की दाढ़ी सीना भर चौड़ी फैली हुई, अल्लाह के नबी का चेहरा, नबी की दाढ़ी। आज के नौजवानों को बोले तो स्टाइल मारने में दाढ़ी मुंडा लेके फिरता उन्हें, स्टाइल मारने में टखने से नीचे कपड़ा लटका लेके फिरता उन्हें। अल्लाह के नबी कहते पहले के जमाने में एक आदमी टखने से नीचे कपड़ा लटकाए जा रहा था, अल्लाह के नबी ने उसे रोका, अय अल्लाह के बंदे ऐसा मत कर, ये तकब्बुर की अलामत है, अल्लाह की गजब इस पर नाजिल होगी, ऐसा मत किया कर, अपने कपड़े को टखने से ऊपर उठा ले। उसने इनकार किया, उसने कहा मैं ऐसा चलने वाला, मैं ऐसा करने वाला, गया आगे गया, अल्लाह के नबी की बात ठुकराया, अल्लाह उसे जमीन फाड़ को अंदर धसा डाला। उस जमाने में धसया था, आज तक धस रहा उन्हें, कयामत की सुबह तक धसते चलता, बुखारी की हदीस है। और कौन उन्हें? खारून, जो दुनिया में सबसे बड़ा खजाना रखा था ना, उन्हें चादर तकब्बुर से नीचे लटका को जा रहा था। मूसा अलैहि सलाम रोके उसे, नहीं माना, अल्लाह धसा दिया, आज तक धस रहा उन्हें, कयामत की सुबह तक धसते चलता उन्हें। तुम्हें भी अल्लाह की गजब के शिकार बनना चाहती क्या? तुम्हें भी अल्लाह के गजब के शिकार बनना चाहती हैं क्या? नबी बोले तीन आदमियों से अल्लाह बात भी नहीं करता, उसे गुनाहों से पाक भी नहीं करता, और उस पर रहम भी नहीं करता, अपनी नजरे करम भी नहीं करता। तीन किस्म के बदनसीब लोग। नंबर एक, झूठी कसम खा को तिजारत करने वाला। नंबर दो, एहसान कर को जताने वाला। नंबर तीन, टखने से नीचे कपड़ा पहनने वाला। नजरे करम भी नहीं, गुनाहों से पाक भी नहीं, अल्लाह ताला उसकी तरफ तवज्जा करके देखता भी नहीं। क्या ऐसे बदनसीबों में तुम्हें होना चाहती क्या? अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे, क्या तुम ना पसंद नहीं? अल्लाह की निगाह करम तुम पर पड़े, क्या तुम ना पसंद नहीं? अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो कयामत के दिन, क्या तुम ना पसंद नहीं? है नहीं मौल साहब, हम ना पाक नहीं करना अल्लाह, अल्लाह की निगाह करम नको हम ना, अल्लाह की गजब पड़ेंदे, अल्लाह उठक जहन्नम में डालेंदे का, तो करो जो मन में आता करो। नहीं मौल साहब, ऐसा नक्को मोल साहब, अल्लाह की निगाह करम होना मोल साहब, अल्लाह हमना माफ करना मोल साहब, अल्लाह हमना जन्नत देना मोल साहब। खाली उम्मीद रख लिए तो अल्लाह देता नहीं जी, वो उम्मीद के बराबर अमल करना जी, मेरे नौजवान साथियों अमल करना जी। बोलो आज के बाद टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहनोगे? अरे हल्लू बोल रही ना जी, आज के बाद टखने से नीचे नौजवान कपड़े नहीं पहनेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद अल्लाह की रजा की खातिर अपने चेहरे नबी के चेहरे जैसा बनाओगे इंशाअल्लाह। कम लोग बोल रही, काम में बोल को फसले तुमकी का, तो तुम्हें अमल करे तो तुम्हें जन्नत में जाती, नहीं अमल करे तो जहन्नम में जाती। मेरा इसमें क्या भी नहीं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर अहदो पैमान ले रूं आपसे, कोई जबरदस्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती है च नहीं। ये नबियों का चेहरा है, ये सहाबा का चेहरा है, ये जन्नत में जाने वालों का चेहरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के अब्बा अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़ को बोलती, अरे अबू कहाफा, ये तेरी दाढ़ी कयामत के दिन नूर की तरह चमकेगी। हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं रहेंगी तो नूर कहाँ से आएगा? नूर कहाँ से आएगा? ये नूर है जी। शेर बब्बर का चेहरा देखी तुम्हें जंगल में, क्या भरी दाढ़ी वाला रहता, उसे दाढ़ी मुंडा डालो शेरनी हो को दिखता, शेरनी हो को दिखता। ये शेर की अलामत जी, तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह दाढ़ी दिया सो, ये दाढ़ी मुंडाले को भयंकर सूरत कई बना लेती हैं तुम्हें। बाज लोग मुछा भी मुंडा लेती हैं, दाढ़ी भी मुंडा लेती हैं, ऐसे चिकने हो जाती हैं। इन्हें सलाम करने वाला सूचना, इन्हें मुसलमान इज की क्या काफिर इज की, इसे सलाम करना क्या नहीं करना सूचता इन्हें कई को। जो मुसलमान होने की अलामत है खतना, वो छपा ले को फिरता, जो असल दिखाने की अलामत है उसे कटा ले को फिरता। अब इन्हें क्या देख को सलाम करना, क्या देख को सलाम करना, इसे डाउट, इन्हें मुसलमान की काफिर। अरे चेहरा रखो जी, नबी का चेहरा जी है, सहाबा का चेहरा जी है, जन्नतियों का चेहरा जी। अल्लाह की रजा की खातिर दाढ़ी रखोगे आज के बाद माशाल्लाह, अगर रखोगे अमल करोगे आपका फायदा इसमें। और आज के बाद बीड़ी तंबाकू घुटका सिगरेट, ये गांजा अफ्यूम ड्रग्स शराब, ये सेंधी ये बांदी, ये तमाम शराब नशावर चीज़ों को छोड़ना अल्लाह, वरना जहन्नम का नहरुल खबाल पिलाएगा। जिन जिन लोगों के दिलों में अल्लाह की जन्नत में जाने की आस है, अल्लाह की जन्नत में जाने की तलब है, अपनी ज़िंदगी में गुनाहों को तर्क करके इस्लाह करने की तड़प है, वो बेशक अल्लाह के अहकाम पर अमल करेंगे। बोलो नशावर चीज़ों को छोड़ोगे आप लोग माशाल्लाह। और अल्लाह की रजा की खातिर अपनी ज़बान की इस्लाह कीजिए, कभी किसी को गाली मत दीजिए, अपनी ज़बान से गिल्ले मत गाइए, अपनी ज़बान से गाने मत गाइए, अपनी ज़बान से झूठ मत बोलिए, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ मत दीजिए।
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, एक कामिल मोमिन, एक कामिल मुसलमान की अलामत यह है वो अपनी जबान से अपने हाथों से किसी को तकलीफ नहीं देता, ना पड़ोसियों को, ना जमात वालों को, ना रिश्तेदारों को, ना अपने दुकान के काम करने वाले नौकरों को, किसी को तकलीफ नहीं देता, अपनी जबान से अपनी जात से हर किसी को फायदा देने वाला कामिल मोमिन होता है। कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी वादा खिलाफ नहीं करोगे, कभी किसी को धोखा नहीं दोगे, कभी किसी को तकलीफ नहीं दोगे, ये मोमिनों की अलामत है। तकलीफ देने वाला, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, अमानत में खियानत करने वाला तो पक्का मुनाफिक है। नबी से पूछा गया, है अल्लाह के नबी मोमिन बुजदिल होता क्या? हाँ हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? है अल्लाह के नबी मोमिन क्या बखील हो सकता क्या? अल्लाह के नबी बोले हाँ हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? बेशक मोमिन बखील भी हो सकता, मोमिन बुजदिल भी हो सकता। है अल्लाह के नबी मोमिन झूठा हो सकता क्या? नबी बोले मोमिन झूठा हरगिज़ नहीं होता, और जो झूठ बोलता उन्हें मोमिन नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला मुनाफिक, झूठ बोले तो क्या, एक को धोखा देना, सामने वाले के भरोसे को हार करना, और अल्लाह के वास्ते झूठ मत बोलो, किसी को तकलीफ मत दो, और साथ ही साथ अपने मातहत में रहने वालों के साथ नरमी का मामला करो। तुम्हारे हाथ के नीचे तुम्हारी बीवी रहती तुम्हें बोले सर का सुनती, तुम्हारी बीवी पर कभी जुल्म मत करो, कभी हाथ नको उठाओ, और तुम्हारे काम करने वाले नौकरों चाकरों पर जुल्म ज्यादती मत करो। हमारी चलती का तो चलाले को दिखाना नहीं, क्यों? तुम्हें अपने आप को ताकतवर नको समझो, हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर अल्लाह दुनिया में पैदा करके रखा, और दुनिया के तमाम ताकतवरों से बड़ा ताकतवर हमारा अल्लाह तबारक व तआला है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। अल्लाह ताला देखता इन्हें इसके ऊपर जुल्म कर रहा, इन्हें इसके ऊपर सता को जान खा रहा, इन्हें इसे सता को रुला रहा, इन्हें इसे तड़पा रहा, इन्हें इसे सता रहा, इन्हें इसे तकलीफ दे रहा। अल्लाह एक हद तक ढील देता, जब जुल्म सहने वाला अपने आंख से आंसू निकाल को हाथा उठा को बद्दुआ करता, या अल्लाह इन्हें मेरा शोहर मार रहा, इन्हें मेरा ओनर जुल्म कर रहा, इन्हें मेरा पड़ोसी मेरा माल छीन रहा, बद्दुआ करेगा। अल्लाह के दरबार में मजलूम की बद्दुआ बहुत जल्दी कबूल होती, फिर अल्लाह ताला तुम ना दुनिया और आखिरत दोनों जगह बर्बाद करके रख डाल। किसी के आंखों में आंसू निकालने का सबब मत बनो, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब जरूर बनो, किसी के दिल से बद्दुआ लेने वाले हरगिज मत बनो, हर किसी के दिल से दुआएं लेने वाले जरूर बनो। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अय अल्लाह जब तक इस दुनिया में हमको जिंदा रख तो अय अल्लाह हर किसी के दिल से दुआ लेने जैसे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमारी जात से किसी को जाने अनजाने में अगर तकलीफ पहुंची हो, हमारी मौत आने से पहले उनसे जाकर माफी मांगने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमको हमारे कबीरा गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को नमाजी बना दे, ऐ अल्लाह वादे का पासदार बना दे, सच बोलने वाला मोमिन बना दे, अमानत को निभाने वाला मोमिन बना दे। ज़िंदगी के तमाम हराम कारियों से हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। हर सियाह कार से, हर बदकार से ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जैसे नबी और सहाबा तेरी रजा की खातिर अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करके अमल किए, हमको भी तेरी रजा की खातिर हमारी ज़िंदगी के आमाल बजा लाने की तौफीक अता फरमा। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल पर अमल करने और इसकी दावत का काम करने की तौफीक अता फरमा। जब ज़िंदगी में खातिमा आए, ऐ अल्लाह हमको नेक आमाल करते करते हुस्ने खातिमा, खातिमा बिल खैर। ऐ अल्लाह रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ज़बानों पर मौत के वक़्त ज़बान पर कलमा अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मरने के बाद, ऐ अल्लाह हमारी ख़बर को जन्नत की खिड़की से कुशादा कर दे, हमारे ख़बर में जन्नत का लिबास, जन्नत का बिछोना अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को ख़यामत में जब तू जगाए, ऐ अल्लाह ख़बर में मुनकिर व नकीर के सवाल के जवाब देने की तेरी कुदरत से तौफीक अता फरमा। हमारी ख़बर को हद निगाह तक कुशादा अता फरमा। जब ख़यामत में तू जगाए तो ऐ अल्लाह मोमिनों मुत्तकियों में हमारा हशर फरमा, दाएं हाथ में नाम आमाल लेने वालों में शुमार फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को तेरे नबी की शिफात कुबरा अता फरमा, तेरे नबी के हौज़े कौसर का पानी तेरे नबी के हाथों नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमको, ऐ अल्लाह तेरे अर्श के साये के सिवा क़यामत में कहीं कोई साया नहीं रहेगा। अल्लाह तेरे रहमत व करम से, तेरे फजल व करम से, तेरे एहसान अज़ीम से तेरे अर्श का साया हमें नसीब फरमा। पुल सिरात पर आसानी से गुजरने वाला हमें बना दे अल्लाह।
ऐ अल्लाह जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हम तेरी जहन्नम से पनाह मांगते हैं, अजाब खबर से पनाह मांगते हैं, दुनिया के शैतान के फितनों से पनाह मांगते हैं, अजाब जहन्नम से पनाह मांगते हैं। जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में तू तेरा दीदार तुझे देखना नसीब फरमा, तेरा दीदार हम सबको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन दुनिया में क़यामत में हमको ज़िल्लत वाली ज़िंदगी से बचा कर इज़्ज़त और अमन वाली ज़िंदगी अता फरमा, इज़्ज़त और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमा। जब तक दुनिया में हैं सेहत व आफ़ियत से रख अल्लाह, हर बड़ी बुरी बीमारियों से बचा ले अल्लाह, अचानक आने वाली मौत से बचा ले अल्लाह, खर्जे की ज़िंदगी से बचा ले ऐ अल्लाह, ज़िल्लत की ज़िंदगी से बचा ले, बेनमाज़ी ज़िंदगी से बचा ले ऐ अल्लाह, मोमिनों जैसे कामिल ईमान की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। कहते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, अमल में बहुत पीछे हैं, अमल का जज्बा हमारे दिलों में कूट कूट कर नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रियाकारी से हमें बचा ले अल्लाह, हर छोटे से छोटा काम, हर बड़े से बड़ा काम तुझे खुश करने के लिए इखलास और लिल्लाहियत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मर्दों को नेक हिदायत दे, हमारी औरतों को नेक हिदायत दे। आत्मकूर में तेरी रहमत की बारिश नाजिल फरमा, आत्मकूर के लोगों पर तेरी बारान रहमत अता फरमा। तमाम लोगों को दीन की सही नेक हिदायत नसीब फरमा। जो हमारे भाई बिदात में, शिर्क में, कुफर में राह भटके हुए हैं अल्लाह, उनको सिराते मुस्तकीम जैसी तौहीद का रास्ता नसीब फरमा, दीन की सच्ची समझ उनको अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो रिश्तेदार जो मर कर तेरे घर के मेहमान बन चुके हैं, चाहे हमारे बाप माँ दादा नाना नानी ख़ानदान रिश्तेदार जो भी मर कर गए हैं, ऐ अल्लाह खबर में करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमा। क़यामत के दिन हमको हमारे ख़ानदान के साथ जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हमारी ये नेक दुआएँ तो कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी ये नेक दुआएँ तो कबूल फरमा। आमीन। रब्बना तखब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।